अस्सलामुअलैकुम, आज मैं आपके लिए जायरो की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको बनाएंगे और इसे ट्राई करें। घर पे बनाएंगे तो इतने महंगे नहीं पड़ेंगे, रेस्टोरेंट में ये काफी महंगे मिलते हैं। इसे जरूर ट्राई करें, पसंद आए तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसमें मैंने ये आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है, ये मैंने थाई पीस का लिया है। ये थाई पीस से बहुत जूसी बनेगा और इसके मैं छोटे पीस कर लूंगी। इसको हमें कोई प्रॉपर शेप नहीं देना है। इसके अलावा इसमें जाएगा हाफ टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला, हाफ टेबल स्पून मस्टर्ड पाउडर। अगर आपके पास मस्टर्ड पाउडर ना हो तो आप पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून ओरिगानो, हाफ टेबल स्पून सिरका, हाफ टेबल स्पून सोया सॉस, हाफ टेबल स्पून चिल्ली सॉस। चिकन की मैंने कटिंग कर ली है, देखें मैंने इस शेप में काट लिए। अब इसको हम मैरिनेट करते हैं। चिल्ली पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, काली मिर्च, ओरिगानो, चिकन पाउडर, मस्टर्ड पाउडर, चाट मसाला, चिल्ली सॉस, सोया सॉस और सिरका। सारे स्पाइस मैंने डाल दिए। अब मैं इसे मिक्स करके कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप इसे ज्यादा टाइम के लिए रख दें। डो बनाने के लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है। इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल के जाएगा, 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, हाफ टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून ईस्ट। अब इसको मैं नीम गर्म पानी से गून लेती हूँ और सॉफ्ट सा डो बना लेती हूँ। डो तैयार हो गई है, देखें सॉफ्ट सी तैयार होना चाहिए इसको। और आप इसको मैं एयर टाइट बॉक्स में राइस होने के लिए रख देती हूँ इतनी देर के ये डबल हो जाए। ये देखें डो राइस हो चुकी है। अब हम इसको बेल लेते हैं और इसकी रोटी तैयार कर लेते हैं। ये देखें ये मैंने इसकी इतनी मोटी रोटी तैयार कर ली है। अब मैं इसे ग्रिल पैन में बना लेती हूँ। मैं इसको ग्रिल पैन पे बना रही हूँ और मैंने इस पे ये ऑयल लगा दिया है। आप चाहें तो इसे पैन में भी बना सकते हैं। एक से दो मिनट हम एक साइड से इसको पकाएंगे और फिर दूसरे साइड से। देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया है। ये देखें ये हमारी डो तैयार हो गई है। अब मैं इसी तरीके से सारी डो तैयार कर लेती हूँ। चिकन मैरिनेट हो गई है, अब इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, ये मैं बड़े बाउल में डालूंगी ताकि हम आसानी से कोट कर सकें। 1 कप कॉर्नफ्लोर, हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टेबल स्पून चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून
काली मिर्चों का पाउडर, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर। इस सबको मैं मिक्स कर लेती हूँ। अब हम इन पीसीस को मैदा में डाल के कोट कर लेते हैं। इसको खूब अच्छी तरीके से रब करना है, कम से कम एक मिनट तक। मैदा में मैंने कोट कर लिया है, अब इसे मैं शेक कर लेती हूँ ताकि एक्सेस जो है मैदा वो झड़ जाए। और ये मेरे पास ठंडा पानी है, बिल्कुल बर्फ का। अब मैं इसमें डिप करूंगी इसको। 8 से 10 सेकंड के लिए। अब मैं इसे दोबारा मैदा में कोट करूंगी। ये देखिए, सेकंड टाइम भी ये कोट हो गए और कितने अच्छे से इसके क्रम्स बने। ये मैं सारे निकाल के इसे फ्राई पैन में डालती हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। और इसी तरह मैं बाकी सबको भी कोट कर लेती हूँ। चिकन फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। और ऐसे ही मैं सारे चिकन को फ्राई कर लेती हूँ। चिकन फ्राई हो चुकी है, देखें कितनी क्रिस्पी बन गई है। अब इसे तैयार करते हैं हम। ये डो मैंने लिए, इसके अलावा इसमें मायो गार्लिक सॉस जाएगा और ये मैंने थोड़ा सा खीरा लिया है। मायो गार्लिक सॉस बनाने का तरीका देख लें। मायो गार्लिक सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने मायोनीज लिए 1 कप, 1 टेबलस्पून चिल्ली सॉस, 1 टेबलस्पून केचप, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून कुचला हुआ लहसुन, 1 टीस्पून मायो गार्लिक सॉस हमारा रेडी है। डो को हम हाफ कर लेंगे। ये इसमें हम चिकन पॉपकॉर्न रख लेंगे, इसके ऊपर ये सॉस। खीरा थोड़ा सा, और इसके ऊपर ये चीज डाल दूंगी। इसी तरह मैं सारे तैयार कर लेती हूँ। इन सबको मैंने रैप कर लिया है और ये हमारे जायरो तैयार हैं।